क्या खाक मुझ में कमाल रखा है, अब तक आपने संभाल रखा है। और मेरे जैसे दर दर भटकने वाले भिखारी को तेरे दर के टुकड़ों ने पाल रखा है। नाभादास जी की करुण पुकार सुन करके आज ठाकुर के पास संदेश पहुंच गया। कैसे ना रीझते करुणा निधान, कैसे ना सुनते, ऐसी करुण पुकार नाभाजी ने कही। और एक और से जंगल में जहां कोई दूर दूर तक कोई जीव नहीं है, कोई प्राणी नहीं है, दो संत गुरु भाई चले आ रहे हैं जिनका नाम है श्री कील देव जी और श्री अग्रदेव जी महाराज। कील देव जी की निगाह पड़ी, अग्रदेव जी से कहने लगे, अरे भैया जरा देखो वो पेड़ के नीचे कोई बालक नजर आता है। अग्रदेव जी आगे हुए, देखा, बोले हाँ महाराज जी एक बालक ही है। उस बालक से कील देव जी अग्रदेव जी पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं। नाभादास जी कह रहे हैं, यदि आप मेरे शरीर की बात कर रहे हैं तो ये तो नश्वर है, एक दिन नष्ट हो जाएगा, और यदि आप मेरी आत्मा की पूछ रहे हैं तो वे तो अमर है, अजर है, उसका क्या परिचय दूं मैं आपको। कील देव जी अग्रदेव जी एक दूसरे का मुख देखने लगे। अग्रदेव जी ने पूछा उस बालक से, आप कहां से आए हैं। वे बालक बोल उठा कि भैया जहां से यह सब संसार आया है मैं भी उस करतार के दरबार से ही आया हूं, मैं भी उसके श्री चरणों से ही आया हूं, मेरा क्या ठिकाना है। फिर पुनः कील देव जी अग्रदेव जी एक दूसरे का मुख देखने लगे, निहारने लगे, पूछते हैं आपका नाम क्या है। नाभा जी बोले, अरे क्या नाम बताऊं मैं आपको, क्या नाम बताऊं प्रभु मैं आपको, नाम तो केवल प्रभु का है, परमात्मा का है, मेरा नाम कुछ भी हो एक ना एक दिन तो मिट जाने वाला है, और जो मिट जाने वाला है उसके नाम से क्या लेना देना, क्या लेना देना। अग्रदेव जी कील देव जी मुस्कुराए और बोले, आपका पिता कौन है यही जानना चाहते हैं। बोले, सबका पिता वही पालनहार है, मेरा इस संसार में कोई नहीं है, मेरा भी वही पालनहार, मेरा भी वही करतार है, पालनहार पिता, पिता पालनहार वही मेरा पिता है। श्री नाभादेव दास जी, श्री कील देव जी की बीच की ऐसी बात सुनकर के अग्रदेव जी की आंख में आंसू आ गए। इतना सुंदर बालक है, कितनी अलौकिक बातें करता है, और इसके नेत्र भी नहीं है। संत की जब कृपा होती है न जाने कब हो जाए, कब रीझ जाए वे स्वामी। कील देव जी ने अग्रदेव जी से इशारों ही इशारों में बात करी और बालक को उठाया, अपने कमंडल से जल निकाला और बालक की नेत्रों वाली जगह पर डाला और उस बालक को रोशनी आ गई। बोले, वत्सल भगवान की। संत बताते हैं कि भक्त वत्सल भगवान की ऐसी कृपा। भैया कोई बात करनी तो उठ करके चले जाओ। संत लोग रसिक जन ऐसा बताते हैं कि नाभादास जी की केवल नेत्र ही नहीं, नेत्र वाली ये जगह भी नहीं थी पूरी, जैसे ही हमारा माथा संपट है ऐसे ये जगह भी थी, नेत्र भी नहीं थे, रोशनी तो थी नहीं, नेत्र भी नहीं थे, ये पूरा मास ही था। लेकिन प्रभु की सद्गुरुदेव भगवान की कृपा हुई तो सद्गुरुदेव भगवान ने जैसे ही जल छिनका अग्रदेव जी महाराज ने, त्यों ही नाभादास जी के नेत्र भी उत्पन्न हो गए और नेत्र की रोशनी भी उत्पन्न हो गई। इसीलिए मैंने आपसे लगभग आज आधा दिन सिर्फ सद्गुरुदेव भगवान की चर्चा करी है, केवल इसीलिए ही कि सद्गुरुदेव भगवान अगर ये नेत्र दिलवा सकते हैं तो क्या मन के नेत्र नहीं खोल सकते, मन के नेत्र भी खोल सकते हैं। लेकिन
हमें अपने गुरुदेव के पास जाना होगा, उनकी माननी होगी, उनकी सुननी होगी। हम गुरुदेव धारण कर लेते हैं जैसे कोई कपड़ा खरीद लिया, लेकिन हम उनकी मानते नहीं, इसीलिए हम लोग भटकते रहते हैं, इसलिए शायद हमारी बात पूरी नहीं होती। कहते हैं कि डॉक्टर और वैद्य जैसे एक ही बात है, नाम अलग अलग। डॉक्टर अंग्रेज, अंग्रेजी दवाई देने वाले को, या कह लीजिए कि आजकल डॉक्टर कहा जाता है, आधुनिक कल है, पहले वैद्य कहा जाता था। वैसे ही सद्गुरुदेव भगवान और डॉक्टर हैं। आप डॉक्टर के पास जाइए, कोई दवाई लिखवाइए। एक व्यक्ति गया डॉक्टर के पास, बोला प्रभु मुझे ऐसी ऐसी एक बीमारी है, डॉक्टर साहब मेरी दवाई लिख दीजिए। डॉक्टर ने दवाई लिख दी, दवाई इतनी असरदार थी, बीमारी कोई खास नहीं थी, डॉक्टर ने केवल दवाई लिख करके पर्चा मरीज के हाथ दे दिया। लेकिन यदि अगर मरीज प्रश्न करने लगे डॉक्टर से कि क्या यह दवाई मेरे लिए ठीक है, तो जरा बताइए कैसी ये बुद्धि है। यदि मरीज डॉक्टर से प्रश्न करे पर्चा बनवाने के बाद कि क्या यह दवाई मेरे लिए ठीक है। एक बार की बात है तो हंसी की, महाराज एक डॉक्टर के पास एक व्यक्ति गया, मरीज गया, उसने जाकर के डॉक्टर से पर्चा लिखवाया कि ऐसे ऐसे मुझे एक बीमारी है, आप पर्चा लिख दीजिए। डॉक्टर साहब ने पर्चा लिख दिया। पहले तो बहुत देर वो दवाई पर ही चर्चा करता रहा, दवाई किस फार्मा कंपनी की है, ऐसा ही होता है, काफी देर चर्चा करी। उसके बाद जब जाने लगा तो लौट करके आया, बोले डॉक्टर साहब मैं अरहर की दाल खा सकता हूँ। डॉक्टर साहब बोले हाँ हाँ खा सकते हो, खा सकते हो। अभी गेट तक पहुंचा, फिर आया वापस, डॉक्टर साहब ने कोई ऐसी चीज नहीं बताई जो नहीं खानी। वापसी आया, डॉक्टर साहब मैं टिंडे खा सकता हूँ। डॉक्टर साहब बोले हाँ खा सकते हो, खा सकते हो। फिर आया वापस, बोले डॉक्टर साहब मैं घिया खा सकता हूँ। बोले हाँ खा सकते हो। अनेकों बार आया, बार बार सब्जियों का, कि शायद डॉक्टर को याद आ जाए, क्योंकि वो डॉक्टर को बेवकूफ समझ रहा है मरीज, ये खा सकता हूँ वो खा सकता हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा जो तेरी इच्छा वो खा, लेकिन मेरा सर मत खा। अब बताइए ज्यादा डॉक्टर को कहेंगे तो डॉक्टर क्या कहेगा, अच्छा चलो आपने जो खाना हो खा लेना, लेकिन हल्की चीज खाना, ज्यादा भारी चीज मत खाना, हल्की हल्की चीज खाना। लेकिन मरीज तो मरीज है, जो अपनी अकल लड़ाता है वो कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। उसने कहा अच्छा हल्की चीज खानी है, दिमाग लड़ा रहा है, हल्की चीज मिट्टी में और पानी को यदि मिलाया जाए क्या बैठ जाएगा, क्या बैठेगा, मिट्टी बैठ जाएगी, पानी ऊपर आ जाएगा। बोले पानी हल्का है। बोले पानी और तेल को यदि मिलाया जाए तो ऊपर क्या आएगा, तेल। बोले तेल हल्का है, और तेल में यदि आटा का पेड़ा थोड़ा बेल करके डाल दिया जाए वो पूड़ी का रूप लेकर के ऊपर क्या आएगा, वो कहेगा इससे हल्का क्या है, तो पानी से भी हल्का है, यही खाऊंगा। बताओ मरीज ठीक क्या होगा, बीमारी का तो पता नहीं, मरीज बचने वाला नहीं। तो ऐसे ही गुरु के बताए मार्ग पर जो संशय करता है, जो हस्तक्षेप करता है, वो कल भी डूबा और आज भी डूबा मानो, वो कल भी डूबा प्यारे, आज भी डूबा। लेकिन नाभादेव जी, नाभादास जी, उन्होंने पूर्ण विश्वास करके प्रभु को पुकार करी। उनके मन के नेत्र तो बचपन से ही, उत्पन्न समय से ही नेत्र उनके खुले थे, आज उनके वो नेत्र भी वापिस आ गए। प्रार्थना करने लगे नाभादास जी कील देव जी से, अग्रदेव जी से, कि आप अपना शिष्य जानकर मुझे अपने श्री चरणों में जगा दे दीजिए। कील देव जी, अग्रदेव जी अपने साथ उस बालक को ले गए जयपुर के पास। महाराज जी जगह है आप जानते होंगे, जयपुर के पास गलतागाती नाम से एक जगह है, पहाड़ों के ऊपर जाकर के। वहां अग्रदेव दास जी और कील देव जी के गुरु जी का स्थान था, वहां उस बालक को ले गए।
उसका मुंडन करवाया गया, उसे नाम दीक्षा दी गई, उसका नामकरण संस्कार हुआ। दीक्षा के बाद नाम रख दिया श्री नारायण दास जी। बोले नारायण दास जी महाराज की। आज उस बालक का नाम हो गया श्री नारायण दास। श्री नारायण दास जी क्योंकि अपने सद्गुरुदेव भगवान का कर्म पहले ही जान चुके थे, बिल्कुल निष्काम भाव से सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में लग गए। वहां पर अनेकों अनेक संत आते, उनकी सेवा करते, उन संतों का जूठन पाते, उस आश्रम में झाड़ू बुहार करते, आश्रम में जो भी काम दिखाई देता। अच्छा, काम से याद आया, ऐसा भी होता है, हमारा भी लाल द्वारा मेरठ में, किसी को कूड़ा करकट दिखाई दे जाए लाल द्वारे में तो वो प्रबंधक के पास जरूर जाता है। जैसे उसको बहुत सफाई पसंद है, जाकर के प्रबंधक को जरूर कहेगा, महाराज फलानी जगह पर गंदगी है। अरे मूर्ख, सदगुरुदेव भगवान ने तुझे ये दिखाया है, इसका मतलब उसकी कृपा है कि ये सफाई तू कर। लेकिन वो उसकी मर्जी को भी ठुकरा देता है, प्रबंधक को कहता है तू कर भाई, ऐसे ऐसे गंदगी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अग्रदेव जी को मालूम था कि नाभादास जी, श्री नारायण दास जी ये बहुत श्रद्धा विश्वास वाले हैं, इसीलिए उनको अपने श्री चरणों में स्थान दिया। और श्री नारायण दास जी, श्री नाभा जी आश्रम का सारा कार्यभार संभालते, संतों के लिए पकवान भी बनाते, संतों का जूठन भी उठाते, संतों का जूठन पाकर के अपने दिनचर्या को निभाते। कभी शिकायत नहीं करी अपने गुरु से, सदैव गाते रहते।